dear students, good afternoon. Today we are going to learn English 2, English grammar. My dear students, in English grammar, today we are going to learn chapter 11, has, have. Has, have. आज हम क्या सीखने वाले हैं? Has, have. इसके आगे के चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है? Yes, is, am, are. Yes, is, am, are plus verb plus ing. Yes, ये हमने कंप्लीट कर दिया था. Yes, now today has have. My dear students, see here, we use has and have to show belonging. We use has and have to show belonging. Belonging यानी संबंधित. Yes. For example, मेरे पास ये pen है. Yes. मेरे पास क्या है? ये pen. तो मैं क्या बोलूँगी? I have a pen. Yes. तो मेरे पास क्या है? ये pen. तो मैं ये pen के related उसके संबंधित में बात करूँगी. तो मैं क्या बोलूँगी? I have pen. I have pen. ओके तो वैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है. हेमा हैज अ ब्लू ड्रेस. हेमा हैज तो हेमा के पास क्या है? ब्लू ड्रेस. मतलब हेमा के पास ब्लू ड्रेस है. तो ये ब्लू ड्रेस के संबंधित हम ये बातें कर रहे हैं. तो हम यूज करेंगे हैज हैव. इसीलिए यहाँ पे लिखा है वी यूज हैज एंड हैव टू शो बिलोंगिंग. नाउ सी हियर, वी यूज हैज टू शो दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. वी यूज हैज टू शो दैट समवन और समथिंग belongs to one person. Belongs to one person, place, animal or thing. Are you understood? Yes. मतलब क्या है? कोई एक person है या कोई एक place है या तो कोई एक animal है या कोई एक thing. कोई एक thing, suppose pen, chair, table, वो thing. कोई animal, dog, cat, place, garden, park, लाइब्रेरी, स्कूल, प्लेस या तो कोई पर्सन. वो को क्या बिलोंग करता है? मतलब वो एक ही पर्सन बिलोंग करता है या तो कोई एक प्लेस बिलोंग करता है या तो एनिमल या थिंग. मतलब वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग्स बिलोंग्स. तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज. बराबर. देखो यहाँ पे हेमा हैज ब्लू ड्रेस. मतलब हेमा के पास क्या है? ब्लू ड्रेस. हेमा बिलोंग्स ब्लू ड्रेस. मतलब ये ब्लू ड्रेस किसका है? हेमा का है. और हेमा एक ही नाम है, वन पर्सन. हेमा एक ही नाम है तो क्या हो गया? वन पर्सन. आर यू अंडरस्टूड? यस. उसके पास क्या है? ब्लू ड्रेस. बट हेमा एक ही है ना, इसीलिए उसके साथ हमने यूज किया हैज. Is it clear? Yes. फिर है दिल्ली. प्लस एक ही है. Yes. तो उसके साथ जाएगा has many monuments. मतलब ऐतिहासिक प्लेस, जो घूमने लायक प्लेस होती है, जो देखने लायक प्लेस है, उसको बोलेंगे monuments. monuments मतलब वो देखने लायक प्लेसेस तो बहुत सारी है, बट दिल्ली एक ही है. Yes, उसके दिल्ली के अंदर बहुत सारे प्लेस है जो देखने लायक है. Yes, तो ये दिल्ली एक है तो उसके साथ गया has. Next, a zebra has streaks. Zebra animal, एक ही एनिमल है. Yes, तो उसके साथ आया has. Yes, next, this table has only three legs. This table has only three legs. Legs three है, but table only one.
has, इसलिए यहाँ पे लिखा है बी यूज हैज टू शो दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स. बिलोंग्स मीन्स उसका उसके संबंधित कुछ थिंग्स है, या तो कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई प्लेस है. तो उसको हम दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज. क्या यूज करेंगे, हैज. आर यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट we use has with words such as he, she and it. we use, we also use has with words such as he, she, it. he, she, it ये क्या है, pronouns. क्या है ये pronouns, but कैसे pronouns है, singular pronouns. कैसे प्रोनाउंस है ये, सिंगुलर प्रोनाउंस. मतलब हम हैज किसके साथ यूज कर सकते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस ही, सी, इट के साथ भी हम हैज यूज कर सकते हैं. और सिंगुलर नेमिंग वर्ड, वो नेमिंग वर्ड पर्सन नेम, एनिमल नेम, प्लेस नेम और कोई थिंग भी हो सकता है. मतलब ये सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज. क्या यूज करेंगे, has. Are you understood? Now see here more examples. He, singular pronoun he, has 5 erasers. He has 5 erasers. Erasers कितने हैं, 5. But he, he singular pronoun he हम किसके लिए यूज करेंगे, boy के लिए. Yes, male gender. हम boy के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन, he. he तो एक ही है, boy एक ही है. Yes, but उसके पास इरेजर भले ही 5, but boy तो एक ही है, तो he के साथ हम यूज करेंगे has. फिर है she has a new scrap book. She has a new scrap book. Next, New York is a beautiful city. New York, New York a place का नाम है. Yes, is a beautiful city. It, it किसके लिए use किया है, New York के लिए. It has people from all over the world. It has people from all over the world. तो it, he has, she has, it has. मतलब he, she, it singular pronouns उसके साथ आएगा has. और singular naming word, singular naming word कौन से, मतलब किसके होने होंगे, person, place, animal, thing. Are you understood? Yes. तो ये हमने बात की थी has की. Yes. Now have. Have, we use have to show that someone or something belongs to more than one person, place or any animal or thing. We use have to show that someone or something belongs to more than one person, more than one place, more than one animal or more. मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल नेमिंग वर्ड. मतलब प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ आएगा है. और दूसरा, वी ऑल्सो यूज हैव विथ वर्ड्स सच एज आई, वी, यू एंड दे. वी, यू, दे, ये कैसे प्रोनाउंस है, प्लूरल प्रोनाउंस. ये कैसे प्रोनाउंस है, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम यूज करेंगे है.
only one elephant, but elephants यहाँ पे एक दिया, means more than one elephant. एक से ज्यादा elephant. तो elephants have big ears. Elephants have big ears. उसके ears से वो कैसे हैं? Big. Elephants have big ears. Elephant के ears big हैं. Yes. Next. We use has with he, see, it. We use have with I, we.
Now, exercises. Look at the pictures. Match the words to form sentences. Work has been done for you. Look at these pictures. Pictures को देखना है. And match the words to form sentences. फिर आपको वो word के साथ match करना है और क्या बनाना है आपको sentence. Okay, one has been done for you. Now see क्या है? Yes, fish. ये bowl के अंदर क्या है? Fish. और है I. I और bowl के अंदर है fish. तो I have a pet fish. I have a pet fish. तो match करेंगे और sentence बनेगा. I have a pet fish. Okay, now next, brother, my brother, yes, my brother, क्या पहना है उसने? Coat, क्या पहना है? Coat, yes, तो यहाँ पे है blue coat, brother, एक ही है ना? Brother एक ही है, तो उसके साथ आएगा, has, yes, I के साथ क्या आया? Have, brother एक ही है, तो उसके साथ आएगा has. My brother has a blue coat. My brother has a blue coat. Okay, now next. Spider. Three number. क्या है three number? The spider. Spider एक ही है ना? Yes, spider एक ही है. Yes. और उसके legs देखो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने legs हैं 8 legs but एक ही spider है ना तो उसके साथ आएगा has singular naming word yes only one animal spider the spider has 8 legs okay next see 4 number For number C, birds, more than one bird. कितने total birds हैं? 3. इसीलिए यहाँ पे लिखा है birds. यानी एक से ज़्यादा bird. Okay? तो birds, yes. उसके साथ आएगा have. क्योंकि ये birds हैं वो एक से ज़्यादा है. More than one birds. Yes. तो birds have feathers. Birds have feathers. Next, 5 number, rabbits. 2 rabbit, 2 rabbit है ना यहाँ पे? Yes, rabbits. Yes, तो ये क्या है? Plural naming word. Yes, rabbits. तो एक से ज़्यादा हो गए, more than one animal. Yes or no? Yes. और उसके ears कैसे हैं? देखो, long. उसके ears कैसे हैं? Long. तो rabbits have long ears. Rabbits have long ears. Rabbits के साथ आएगा have. क्यों have आएगा? क्योंकि ये plural है. एक से ज़्यादा rabbits हैं. Okay. Now next 6 number. 6 number. ये क्या है? Car. Yes. Car है ना? तो यहाँ पे है car. और यहाँ पे दिया है दे, yes ये है plural pronouns, plural pronouns दे के साथ आएगा have, they have a red car, they have a red car, तो ये हमारी एक exercise complete हुई, now next fill in the blanks with has or have, work has been done for you. Fill in the blanks with has or have. Okay, first एक complete करके दिया है. For example, yes, देखो यहाँ पे I के साथ आएगा have. I have 4 sharpness. I
साथ आएगा हैज। प्रीति हैज अ पिंक फ्रॉक। ओके नेक्स्ट वी ब्लैंक टू डॉग्स एंड अ कैट एज पेट्स। वी ब्लैंक टू डॉग्स एंड अ कैट एज पेट्स मींस वी हैव हमारे पास क्या है टू डॉग्स दो डॉग्स है और अ कैट एंड अ कैट यस टू डॉग्स एंड अ कैट एज पेट्स तो वी के साथ आएगा हैव यस आई वी यू दे इसके साथ क्या आएगा हैव यस ये कैसे प्रोनाउन है प्लूरल प्रोनाउन्स वी मीन्स हमारे पास मतलब वी तो एक से ज्यादा आपकी बातें कर रहे हैं ना यस इसीलिए वी के साथ आएगा हैव नेक्स्ट द लायन ब्लैंक अ मैन द लायन ब्लैंक अ मैन लायन एक ही एनिमल है लायन एक ही एनिमल है तो उसके साथ आएगा हैज लायन हैज अ मैन नेक्स्ट आई आई के साथ हमेशा क्या आएगा हैव आई हैव मेनी स्टोरी बुक्स मेरे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स है फिर ऑल स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे स्टूडेंट तो ये क्या हुआ एक से ज्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है तो एक से ज्यादा है तो उसके साथ होगा हैव उसके साथ क्या आएगा हैव ऑल स्टूडेंट्स हैव देयर क्रेयॉन्स विद हिम सारे बच्चे के पास उसके क्रेयॉन्स है ओके नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज रीड ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस रीड ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस पिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस द फर्स्ट पेयर हैज बीन डन फॉर यू रीड ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस देखो यहाँ पे सेंटेंसेस के पेयर मतलब एक में दो सेंटेंस दिए गए टू सेंटेंसेस आते हैं तो एक पेयर बनाएंगे तो ये पेयर में एक सेंटेंस है वो राइट है सेकेंड सेंटेंस है वो रॉन्ग है तो जो राइट सेंटेंस है उसके आगे आपको टिक करना है राइट जो रॉन्ग है वहां पे आपको क्रॉस करना है ओके मंथ हैज बीन डन फॉर यू एक यहाँ पे कंप्लीट करके दिया है उस हिसाब से आपको बाकी सारे कंप्लीट करने हैं फर्स्ट द एलिफेंट हैज अ ट्रंक तो ये सेंटेंस राइट है क्यों क्योंकि एलिफेंट एक ही एलिफेंट है तो उसके साथ आएगा हैज द एलिफेंट हैज अ ट्रंक ये राइट है और यहाँ पे है एलिफेंट हैव तो ये रॉन्ग है क्यों एलिफेंट एक है तो उसके साथ हैव नहीं आएगा यहाँ पे एस होता एलिफेंट्स तो हैव आएगा ओके नाउ सेकंड नंबर द गर्ल्स हैज अ डांस क्लास ऑन मंडे फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल्स हैज अ डांस क्लास ऑन मंडे गर्ल्स प्लूरल गर्ल्स ये प्लूरल यानी वर्ड है यस गर्ल्स यानी बहुत सारी गर्ल्स बहुत सारी लड़की तो बहुत सारी मोर देन वन है ना एक से ज्यादा है तो उसके साथ आएगा हैव आएगा गर्ल्स हैव ये गर्ल्स यहाँ पे हैज लिखा है तो ये हैज रॉन्ग है गर्ल्स हैव अ डांस क्लास ऑन मंडे ये राइट सेंटेंस है आगे अंडरस्टूड गर्ल्स का डांस क्लास कब है ऑन मंडे तो गर्ल्स हैव अ डांस क्लास ऑन मंडे ये सेंटेंस सेकंड सेंटेंस राइट है ये फर्स्ट ये गर्ल्स हैज तो ये हैज है वो एक ही नाम होता है सिंगुलर सॉरी सिंगुलर नेमिंग वर्ड होता है उसके साथ आए हैज बट प्लूरल नेमिंग वर्ड है तो उसके साथ आता है ओके नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर सी हैज अ न्यू बुक
फॉर नंबर next the dog chases the cat the dog chases
डूइंग वर्ब यस प्ले यानी खेलना, वो एक्शन ही है ना, तो प्ले वो क्या है एक्शन वर्ब। बैडमिंटन एवरी इवनिंग, बच्चे को रोज शाम को एवरी इवनिंग को क्या करते हैं बैडमिंटन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम और आर, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम और आर। फर्स्ट करण इज गुड बॉय, करण कैसा बच्चा है गुड बॉय ये, तो करण इज, करण एक ही नाम है यस, करण एक ही है ना वन पर्सन, उसके साथ आएगा इज। सोमा एंड अर्जुन दो नेम, मोर देन वन पर्सन टू नेम है ना, सोमा एंड अर्जुन तो क्या आएगा आर, सोमा एंड अर्जुन आर बेस्ट फ्रेंड्स। आई के साथ हमेशा आएगा एम, एम यस वी यूज एम विद आई, एम के साथ आएगा सॉरी आई के साथ आएगा एम, आई एम इन क्लास टू। दिस इज अ चेस्ट फुल ऑफ ज्वेल्स, दिस इज अ चेस्ट फुल ऑफ ज्वेल, दिस इज सिंगुलर है ना, दिस टी एच आई एस, दिस इज सिंगुलर एंड उसका प्लूरल होगा टी एच ई एस ई दिस, तो ये दिस के साथ आएगा आई एस इज एंड दिस लेग्स, डियर डियर तो एक ही एनिमल है, उसके लेग्स कितने हैं फोर, बट डियर
never has have and did you three is over. ओके तो यहाँ पे मैंने आपको ये रिव्यू थ्री मतलब आगे का जो चैप्टर कंप्लीट हो गया होता है उसका रिव्यू होता है, उसका रिवीजन होता है, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर नंबर 11 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारा जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो सारी है जो मैंने आज आपको करवाया वो सब आपको इंग्लिश 2 की टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है. ओके थैंक यू.